नमस्कार, ए टू जेड डिशेज उषा गोरजानी में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं एकदम सिंपल आपको सब्जी बताने जा रही हूँ, और वो है आलू प्याज की सब्जी। ये काफ़ी सिंपल है और खाने में काफ़ी बढ़िया, वो भी आप इसे रोटी या फिर राइस के साथ ले सकते हैं। उसके लिए गैस को ऑन कर ले, प्रेशर कुकर रख दे, 2 चम्मच तेल डाल दे, 2 छोटी चम्मच ही जैसे गर्म हो जाए 1/4 चम्मच जीरा, बारीक कटी हुई 7 से 8 लहसुन, बारीक कटी हुई 2 से 3 हरी मिर्ची, इसे भून ले। लहसुन कुछ इस तरह से हो जाए तब तक, यानी कि 1 मिनट तक इसे भूनना है। और इसके अंदर अब डाल देना है प्याज, तो यहाँ पर 2 लंबे कटे हुए प्याज आपको डाल देने हैं 2 से 3, और इसे अच्छे से भूनना है। प्याज को एकदम लाल होने तक नहीं, बस हल्का गुलाबी हो जाए तब तक। तो यहाँ पर आप देखें, अच्छे से भूने प्याज को, और यहाँ पर मैंने 2 बड़े आलू को छील कर काट लिया और पानी में ही रख दिया ताकि ये काले ना पड़े। तो अब ये आलू हम डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद स्वाद अनुसार नमक, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। नमक और मसाले आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। मसालों को अच्छे से मिलाना है 1 से 2 मिनट तक। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 कप पानी। अब ग्रेवी आपके ऊपर है, अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी अच्छी लगती है तो आप 2 कप पानी डालें। मैंने यहाँ पर 1 कप ही डाला है, आप अपने एडजस्ट कर सकते हैं ग्रेवी। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद कुकर का ढक्कन दे देंगे और इसे हम 2 से 3 सीटी आने तक पका लेंगे। 2 से 3 सीटी आ गई है और हमारी आलू प्याज की सब्जी बनकर तैयार है। थोड़ा सा हम गरम मसाला डाल देंगे ताकि स्वाद और बढ़ जाए, और इसे गर्मा गर्म राइस या फिर रोटी के साथ खाएं। ये इतनी टेस्टी, भले ही सिंपल है, खाने में बहुत बढ़िया लगती है। ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।